अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई गोश्त। तुरई गोश्त बनाने के लिए हमने 1 किलो तुरई ली है, 7-8 हरी मिर्चें ली हैं, 3 टमाटर ली हैं वो इस तरह से काट ली हैं, 1 प्याज ली है, 1 चाय का चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/2 कटोरी हमने रिफाइंड लिया है, 1 चाय का चम्मच हमने पीली मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच हमने धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच हमने नमक लिया है और थोड़ी सी प्याज ली है। 1/2 किलो हमने गोश्त लिया है रवादार और हड्डी का और पानी लिया है। हम कुकर में अब रिफाइंड डालेंगे और जो हमने लास्ट में अलग से प्याज काटी थी वो डालेंगे और लाइट ब्राउन होने देंगे। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। और इसको चलाएंगे। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे नमक के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसको चलाएंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, और पानी डालेंगे और 1/2 घंटे के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे। गोश्त हमारा गल गया है, अब इसे 10 मिनट के लिए हम भूनेंगे। गोश्त हमारा भुन गया है, अब इसमें हम तुरई डालेंगे। गोश्त में हमने तुरई डाल दी है, इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और 2 सीटी लगाने के लिए इसको रख देंगे। तुरई में पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि तुरई पानी खुद छोड़ती है। तुरई गोश्त हमारा गल गया है और इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसका पानी अच्छी तरीके से हम खुशक करेंगे और भूनेंगे। लास्ट में हमारी मिर्ची डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे लीजिए हमारा तुरई गोश्त तैयार है। देखिए ये कितना बेहतरीन लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसे ज़रूर बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।